और आइए आज के शो की करें शुरुआत टेलीविजन की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोमोलिका के गाल पर पड़ गया चांटा, मलय बाबू ने जड़ दिया एक जोरदार तमाचा और कोमोलिका सन्न रह गई क्योंकि उसने मलय बाबू के सामने ही प्रेरणा का गला दबाकर मारने की कोशिश की थी और उनके सामने ही कोमोलिका ने ये कबूल भी कर लिया कि उसी ने प्रेरणा के पापा राजेश बाबू की हत्या करवाई थी और उसी ने एक्सीडेंट करवाया था। फिर चांटा तो पड़ता ही। इस लड़की की वजह से ना फिर इसी को मार डाला। मैं एक बार एग्जैक्टली जैसे इसके फादर को मार गया था, जैसे मैंने उनकी कार की ब्रेक्स फेल की थी ना और वो जहन्नुम में पहुंच गए थे, वैसे ही तुम्हें पहुंचा दूंगी। डू यू कोमोलिका ने इससे पहले प्रेरणा और मलय बाबू की सारी बातें भी सुन ली थी। जब प्रेरणा मौलाय बाबू को मिलने अस्पताल पहुंची थी, और इसी दौरान मौलाय बाबू ने कोमोलिका को देख लिया तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। कोमोलिका ने कोशिश तो बहुत की थी कि मौलाय और प्रेरणा मिल ना पाए, मगर प्रेरणा और उसके काका बाबू यानी कि मौलाय बासु की हॉस्पिटल में मुलाकात हो ही गई और मौलाय बाबू ने बता दी कोमोलिका की सारी सच्चाई। अब सारे घर वालों के सामने कोमोलिका का राज खुलेगा। हालांकि कोमोलिका ने भी खूब धमकियां दी हैं। आपने मुझे वहां से निकालने की कोशिश की तो सबको अंदर करवा दूंगी, याद रखिएगा। आपके साथ बदसलूकी और हरेस करने के जुर्म में। मगर मौलाय बाबू के होश में आने के बाद अब स्थिति बदल गई है। इनफैक्ट मैं तुम्हें अंदर खुलाऊंगा और अब कोमोलिका की स्थिति बिगड़ने वाली है, ये तय है। तुम देखना, तुम्हारे सामने मैं और प्रेरणा की शादी करवाऊंगा एंड माइंड यू, उस शादी को समाज स्वीकार करेगा। मुंबई से नेहा सावंत और सुमा वैद्यवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।